विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ खास और पॉजिटिव खबरें। किसी नए जीव का इस दुनिया में आना, मतलब किसी का जन्म हमेशा अपने साथ बड़ी खुशियां लेकर आता है, पर जन्म लेने वाले एक नहीं दो हो तो आनंद द्विगुणित हो जाता है। श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहली बार शायद हो रहा था। आइए थोड़ी खुशियां हम भी बांटते हैं। श्रीलंका के मुख्य हाथी अनाथालय में एक दुर्लभ जुड़वा जन्म दर्ज किया गया। सुरंगी नामक एक 25 वर्षीय मादा हाथी ने स्वस्थ जुड़वा नर बच्चों को जन्म दिया। हाथी विशेषज्ञ जयंत जयवर्धने के अनुसार ये 1941 के बाद श्रीलंका में बंदीवास में पैदा हुए पहले जुड़वा हाथी के बच्चे हैं। पीनावाला हाथी अनाथालय की प्रमुख रेणुका भंडार नायके ने कहा, बछड़े और माँ दोनों तंदुरुस्त हैं। बच्चे अपेक्षा से छोटे हैं लेकिन वे स्वस्थ हैं। इन जुड़वाओं के पिता 17 वर्षीय पांडु अनाथालय के 81 निवासियों में से एक है, जिसे निराश्रित जंगली हाथियों की देखभाल के लिए 1975 में स्थापित किया गया था। वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि श्रीलंका में जंगल में पैदा हुए पहले ज्ञात जुड़वा बच्चों को पिछले साल इस द्वीप के पूर्व में मिनेरिया अभयारण्य में देखा गया था। हमारे देश में गाय को गोमाता कहते हैं और उसे भगवान का रूप माना जाता है। कई साल पहले हमने गोवध बंदी का कानून भी लागू किया है। हो सकता है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया जाए। लेकिन गाय के प्रति प्रेम और आदर सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी सभी जानवरों के साथ साथ गाय के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। कभी कभी तो गाय हवा में सफर भी कर लेती है। ऊंचे स्विस अल्पाइन घास के मैदानों में गर्मियों के दौरान घायल गायों को पहाड़ से नीचे हेलीकॉप्टर में लाया गया। लगभग 10 गायों को समुद्र तल से लगभग 1950 मीटर ऊपर क्लाउनेस पास पर्वत के पास उतरने के लिए लिफ्ट मिली। हेलीकॉप्टर से उन्हें लाने का एक कारण यह भी था कि कार से इन चारागाहों तक पहुंचना मुश्किल था, और दूसरा यह कि कुछ गायें जख्मी हो जाती हैं, इसलिए वे नीचे आ नहीं सकती। गायों के चरवाह जोनास अर्नाल्ड ने कहा, किसानों ने कहा कि यह हजार गायों का झुंड पहाड़ से नीचे उतरने वाला था, लेकिन कुछ गायें इतनी घायल और गर्भवती थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी। लंबी पैदल यात्रा करने में असमर्थ लगभग 10 गायों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ से उठा लिया गया। किसानों ने कहा कि हेलीकॉप्टर की सवारी से गायें हैरान नहीं दिख रही थी। काश जानवरों पर इतना ध्यान भारत में भी दिया जाता। जिनकी बाह किसी कारण से कट गई है उनके लिए यह अच्छी खबर है। नए निष्कर्षों के अनुसार शोधकर्ताओं ने ऊपरी बाह के विच्छेदन हुए रोगियों के लिए एक बायोनिक बाह का निर्माण किया है। इसे पहनने वालों को सामान्य व्यक्ति की तरह सोचने, व्यवहार करने और कार्य करने की सहूलियत मिलती है। देखते हैं क्या है यह निष्कर्ष। जिनकी एक बाह किसी कारण काट दी गई है, ऐसे रोगियों को अब एक सर्वसाधारण जीवन व्यतीत करने का आनंद मिल सकता है। शास्त्रज्ञों ने एक ऐसी कृत्रिम बाह खोज निकाली है जो सामान्य बाह की तरह उनकी सोच के अनुसार काम करेगी। यह बाह पहनने वालों के अंग के नसों से जुड़ती है। यह रोगियों को उनके मस्तिष्क से इस कृत्रिम बाह तक संदेश भेजने में सक्षम है। उनके लिए आसान हो जाता है जब वे इस बाह का उपयोग करना चाहते हैं या फिर स्थानांतरण करना चाहते हैं। यह बाह पर्यावरण से भौतिक जानकारी प्राप्त करके अपनी तंत्रिकाओं के मदद से रोगी के मस्तिष्क तक भेजती है। इस कृत्रिम बाह ने प्रतियोगियों को गैर विकलांग लोगों की तरह सटीकता से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया है। मानव जीवन में ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है और लोग दैनिक जीवन में अपनी गतिविधियों को करने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या मानवीय शरीर से निर्माण होने वाली इस ऊर्जा को किसी और ऊर्जा में परावर्तित किया जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हम सब केवल चलते चलते दिए भी जला सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अपने दैनिक कार्य करते हुए हम सब कई कदम चलते हैं। चलने की इस क्रिया में ऊर्जा की खपत भी होती है। ATH ज्यूरिख शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि
कि लकड़ी के फर्श पर चलने से एलईडी लाइट बल्ब को चलाया जा सकता है। इस तरह लकड़ी के फर्श पर चलकर लाइट बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लकड़ी के फर्श बनाए हैं जिन पर चलने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है और उससे छोटे छोटे एलईडी दिए जलाए जा सकते हैं। चलने वालों के कदम फर्श पर पड़ते ही लकड़ी के टुकड़ों को आवधिक संपर्कों के माध्यम से विद्युत रूप में चार्ज किया जाता है और जब कदम उठते हैं तो ये लकड़ी के टुकड़े अलग हो जाते हैं। इस कार्य से तैयार हुई ऊर्जा जनरेटर्स द्वारा विद्युत शक्ति में बदल दी जाती है और छोटे छोटे दिए जल सकते हैं। यह संशोधन जब प्रत्यक्ष रूप में कार्यान्वित होगा तब जितना हम चलेंगे उतना ही हमारा बिजली का बिल कम होता जाएगा। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यही रुकते हैं। पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।